रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैंने लगाई हुई थी मशीन के काम बहुत सारा था, चांदनी भी मैंने उठानी है आज। और जो है यहाँ मैंने जो है ना थोड़े कपड़े अभी फैले हुए हैं और इधर जो है ना अभी ये पड़े हुए हैं कपड़े, इनको मैंने धोना है। और अभी जो है ना थोड़े से कपड़े जो है ना मियाँ जी ने मेरे साथ ये खंगलवाए थे कपड़े, जैसे कि देख सकते हैं ये बेचारे भी फैले हुए हैं कपड़े, एमन का यूनिफॉर्म वगैरह भी सब। और जो है आज जो ना मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं थी सही, लेकिन फिर ये कि उन्होंने थोड़े ये वाले तो मेरे साथ करवा लिए हैं, बाकी मुझे अभी ये करने हैं। और ये काम पे जॉब पे जा चुके हैं और अभी देखें घर मेरा पूरा फैला हुआ है। और ये देखें घर सारा अभी फैला हुआ है, घर का भी कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब तरफ से जो है ना अभी पूरा घर फैला पड़ा है। ये देखें ये जो है नाश्ते के बर्तन भी अभी यहीं पड़े हुए हैं, सब कुछ सारा घर अभी फैला हुआ है, देखें जरा ये देखें यहाँ पे भी सब कुछ अभी तक फैला हुआ है, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। अभी खैर टाइम जो है हो रहा है, टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10:30, तो अभी 10:30 बजे हैं। जब तक इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। दीवार देखें मेरी कितनी प्यारी आ रही है, अच्छी लग रही है ना, आप लोग सब बताना कि दीवार कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये देखिए सही है, अब मैं जो है ना जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ आज मेरी सुबह की रूटीन कैसे शुरू हुई है। आज मेरी सुबह की रूटीन जो है ना वो इन मैले कपड़ों के साथ शुरू हुई है, क्योंकि कपड़े जमा काफ़ी हो गए थे, तो मैं आप क्योंकि जो है ना ये इसकी वजह से कपड़े बहुत जमा हो गए थे। ये जो नल है ना ये चेंज कराने थे, हमने ये नल इधर लगवाना था क्योंकि ना बोर्ड पर उधर पानी का इशू हो रहा था, और यहाँ से जो है ना ये करवाया इन्होंने इस तरह से ना ये करवाए, क्योंकि ये ना पाइप लगने में यहाँ इशू हो रहा था, तो उसकी वो मिली नहीं नीचे लगाने के लिए, तो ये नली हमने चेंज कर दिया है। और जो है ना इसको करने के लिए यहाँ पे जो है ना सारी ये सीलन आ रही है, तो ये वॉशिंग एरिया इसका इतना इशू होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना बस अब ये नल लगा के इन्होंने, और ये अब यहाँ हम कपड़े धोया करेंगे, तो ये ईजी हो गया कि यहीं नल खोल के यहीं पर हम नल खोलेंगे और यहीं हम कपड़े धो लेंगे। चले अब मैं जो ना ये करती हूँ काम, फिर आप लोगों से रही हूँ। आज मिलेंगे नीचे से खिलौने, आज जो है ना इन लोगों के खिलौने मिलेंगे। तो यहाँ से जो है ना अभी सोफे को बस हम टेढ़े करेंगे, यहाँ पे निकल गई डंडी, डंडी आपकी मिल गई। और अब देखें यहाँ भी नीचे से इन लोगों के खिलौने मिलेंगे, चीजें मिलेंगी। रिमोट सोफे के नीचे किसने छुपा है? ये आपके स्कूल से जो मिला था, ये आपके स्कूल का मिला हुआ, देखो सोफे के नीचे से देखो आज क्या क्या खजाने निकलते हैं। चलो हटो हटो कचरे पे साटो, कचरे पे साटो। वो वाला जहां मैं पढ़ती हूं अभी, तो ये देखिए बस अभी जो है यहां से चादर उठा रही हूं मैं। मां ये वाला उठा है, वाह फ्रेंड जी उठा, बोला था आज से पूरा नीचे से खजाना निकल आएगा। मम्मा ये देखें ये चांदनी, ये देखें जब हम ये उठाए ना फ्रेंड्स, इधर देखें इन्होंने कालीन खराब किया था जब हम लोग ये दीवार को कलर कर रहे थे ना, तो तब इन्होंने खराब किया था। तो बस मैं जो है ना यहाँ से ये जरा उठा लूँ, मशीन भी लगी है, चांदनी भी उठ रही है, सारे काम एक साथ हो। नहीं सीधा करना, पीछे से। यहाँ पे जो है ना ये सोफा बनाने का पीछे से झाड़ लूँ, और चांदनी तो उठ चुकी है हमारी, तो पीछे से भी ना डस्ट इतनी आती है ना घर में। जैसे तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना हो कोई जैसा कुछ। ये यहाँ जो है ना सारी नीचे डस्ट हो ना, तो इससे पेंट लगा दिए था वाइट यहाँ पे, ये जो ना ये इनके काम में। बस अभी जो है ना मैं इसके ऊपर से ये कालीन पे से झाड़ू मार लेती हूँ, जो इस पे कचरा है ना वो निकल जाए, ताकि चांदनी भी बिछाऊं। यहाँ से पूरा कबाड़ खाना निकला था, अजवानी हो जाए। और बस मैं जो है ना कालीन को उठा के उसके नीचे से झाड़ू निकाल लूंगी, और सारी जो है ना इस तरह से सफाई हो जाएगी और साफ सुथरा हो जाएगा। अब हम बिछाने लगे चांदनी, तो ये देखें चादर जो है ना मैंने अभी खोली है, तो मैं इसके ऊपर बिछा लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखें यहाँ क्या हाल हुआ पड़ा है, सोफे सारे उल्टे हुए हैं,
और जो है ना मैं इनको उल्टा पुल्टा करने में ही थक गई हूँ क्योंकि ये बहुत वजनी है, बहुत भारी है। और जो है ना अब यहाँ से इसको टेरेस लेके, क्योंकि यहाँ से चांदनी बिछाना शुरू करूँगी ना, तो इसलिए बस चांदनी बिछा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक करके, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे इस तरह मेरे साथ जो रहते बिछाने बिछाने में ना, तो इसलिए जो है ना कैमरा पकड़ के तो नहीं हो सकता है, मैं इसको बिछा लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ जो है मेरी चांदनी बिछ चुकी है, कमरा देखें पूरा मेरा सेट हो चुका है, तो ये देखिए। और ये मशीन जो है मेरी अभी, क्योंकि मैंने रखनी है, तो बस ये देखें यहाँ पे कैसे शॉपरों का अंबार लगा है, कपड़े वगैरह सी रही थी मैं अपने ना, तो इंशाल्लाह सीऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे सिले हैं क्या है। तो मैंने जो है ना अभी, क्योंकि मैं पंगे लेती रहती हूँ, यहाँ से मैंने ये सोफे उठा के ना इनको मैंने रख दिया है यहाँ पे, इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब ये जो है ना नीचे बैठने के लिए जगह ये इतनी सारी खाली है, तो और ये देखिए बाकी कपड़े अभी पड़े हैं, कपड़े अभी धुल रहे हैं और वो धुल चुके हैं, तो बस ये सब निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज की रूटीन बस सारी जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मोहम्मद अहमद के काम क्या कर रहे हैं आप, अभी मैंने सब चीज़ें इनको ना दिए और ये फिर जो है ना यहाँ पर लग गई है, इनको फिर सोफे के नीचे पहुँचा देना आप, है ना। यहाँ पे जो है ना चावल मेरे पक चुके हैं, अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस इसमें लगाऊंगी दम, चावल दम में दम लिए। और यहाँ जो है ना दाल पक रही है, बस खाना रेडी हो रहा है, बस मैं अभी बच्चों को और अभी मैं खाना खाऊंगी। और जो है ना कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं, धुल रहे हैं, मशीन में भी लास्ट चांदनी मैंने डाली है तो वो धुल जाती है, और अमन नहा के तैयार होती है, तभी अमन जो है ना नहा चुकी है। मैंने भी जो है ना कपड़े बदल लिए थे, और अभी जो है टाइम हो रहा है 3:15 हो चुके हैं, और अभी तक यहाँ मेरे काम जो है निपटे नहीं है, 10 बजे से मैं लगी हूँ। और आपको पता है जब कपड़े छिड़ जाते हैं ना तो वो सिमट नहीं पाते, और ये देखें सारे कपड़े ये फैले हुए हैं, बाकी अभी भी कपड़े मेरे बचे, मैं बस ये निपटा लेती हूँ। और यहाँ मेरी जो है ना ये काली दाल तैयार हो चुकी है, मैंने ऊपर से इसमें ना अलग से देसी घी भी डाल दिया था, तो मैंने कहा दाल में आज फर्स्ट टाइम देसी घी डाल के ज़रा मैं भी ट्राई करती हूँ कैसी लगती है। और यहाँ मैंने खाने के लिए निकाल ली है, और भगा तो मैंने ऑयल का लगाया था, लेकिन ऊपर से ना थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐसे ही डाला है, उसको जो है ना पका के जलाया नहीं है, मैंने कहा पहले देसी घी का लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ऐसे उन्हें ऊपर अलग से ही डालती हूँ। और सही, अभी हम लोग इसको खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चावल भी डाल लिए थे, और ये देखिए चावल हमारे और अमन ने की है कारस्तानी, मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े लगा शुक्र है निमट गए। और ये अमन ने प्याज काटी है इसके साथ खाने के लिए, और इसके साथ मैं खाऊंगी अचार, ये कौन सा अचार, मेरा अचार। और ये जो है ना शलजम का अचार है, ये मेरी छोटी वाली मुझसे छोटी बहन है ना, और उसने बना के भेजा है, तो मैंने कहा तो इनकी नम्मानी ने, तो मैंने कहा मैं ये भी ज़रा ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा बनाया है उसने, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत पसंद है मुझे शलजम का अचार, लेकिन अगर अच्छा बना होगा तो बात है मज़ेदार सा। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे दाल, बाबा गरम है ये, और बस अब मैं खाना शुरू करती हूँ, मिलते हैं अब आपके हम लोग बहुत अच्छे और नए और मज़ेदार से व्लॉग में। तो बस ये था मेरा व्लॉग आज का यहीं पर, और मोहम्मद अहमद मगन हुए मैं खाने में, तो बस अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, और बस मैं अब खाना खा के जो है ना थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से खैर से अमन के पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं, और मैं टेंशन फ्री हो चुके हैं, और 5 को एमएन को रिजल्ट है एमएन का, तो बस एमएन के पेपर से हम फारिग हो गई हूँ। हाँ पेपर इतने अच्छे दिए जो आप फर्स्ट आएंगी, मैथ का पेपर फेल, मेरी टीचर बताया मैथ का पेपर फेल, क्या कितने किए एक्स्ट्रा जो कर लो क्यों, आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करके आए, वो जो क्लॉक में करके आई हो,
शाबाश। चलिए बच्चे, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोग के पास आते रहें। और जो है अब हम खाना एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग को मेरी अच्छी अच्छी से व्लॉग मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।